इस वक्त रात के 8:20 हो रहे हैं और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं वेनिस मोड़ पर। और आज हम आपको बता दें कि 9 मामले जो है वो सिलीगुड़ी नगर निगम से मिले हैं। हालांकि किन किन वार्डों से ये जो है ये 9 संक्रमित, उसकी पुष्टि फिलहाल अभी नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर कल की ही बात करें तो कल कुल मिलाकर के 35 मामले जो है वो मिले थे नगर निगम इलाके से, और इसके अलावा 9 मामले जो थे वो पहाड़ी इलाके से मिले थे। यानी कि कुल मिला जुलाकर 44 मामला कल सामने आया था, जिनमें से और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी कोरोना के वजह से। अगर आज की हम बात करें तो आज नगर निगम इलाके से 9 मामले कोरोना के सामने आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी रात को करीब 8:20 हो रहा है, भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देख पा रहे हैं। हालांकि रात हुई है तो लोग अपने अपने घरों को भी जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें 46 नंबर वार्ड के जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है वो भी ठीक होकर के घर जा चुके हैं। ये एक अच्छी और राहत भरी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 624 मामले ये सामने आए हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा 17,907 कुल मामले हैं पश्चिम बंगाल की, जिनमें से अगर डिस्चार्ज रेट की अगर दर देखी जाए तो 65.44% की वो दर है, जिससे लोग अभी तक घर जा चुके हैं कोरोना से ठीक होकर के। इसी के साथ अगर हम विभिन्न पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों की अगर बात करें, दार्जिलिंग जिले की बात करें तो दार्जिलिंग जिले में अभी की मौजूदा रिपोर्ट जो है 458 केस कुल मिला करके है, जिनमें से 234 लोग ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। और अभी एक्टिव केस जो है वो 215 एक्टिव केस जो है वो दार्जिलिंग जिले में बताए जा रहे हैं, जो जानकारी और रिपोर्ट के तहत। कालिम्पोंग की अगर बात करें तो कालिम्पोंग में 52 रिपोर्ट कुल मिला जुला करके है, जिनमें से 45 ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 1 की मौत हुई है। और फिलहाल कालिम्पोंग में 6 रिपोर्ट जो है वो एक्टिव चल रही है, सक्रिय चल रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से दिनों दिन विभिन्न जगहों पर कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं, ये काफ़ी खुशी और अच्छी राहत भरी खबर तो है ही। और आज अभी तक जो है 9 मामले कोरोना के मिले हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही धीरे 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 करके कोरोना जो है समाप्त हो जाए। जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो 348 मामले कुल मिला करके है, 268 लोग ठीक हो चुके हैं, 0 की मौत है और 80 एक्टिव केस है। अलीपुर द्वार की बात करें तो 179 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कुल मिलाकर अलीपुर द्वार में है, 115 लोग ठीक हो गए हैं, मौत की कोई दर नहीं है और 64 जो सक्रिय मामले चल रहे हैं अलीपुर द्वार में। कूचबिहार की बात करें तो 303 कुल मामले हैं, 296 लोग ठीक होकर के जा चुके हैं और 7 एक्टिव केस कूचबिहार में चल रही है, जो कि एक अच्छी खबर जो है आ रही है। मालदा की बात करें तो 612 कुल मामले हैं, 353 लोग ठीक हो चुके हैं, 1 की मौत हुई है और 258 एक्टिव केस है। और इसी के साथ अगर बात उत्तर दिनाजपुर की करें तो उत्तर दिनाजपुर में 291 मामले कुल मिलाकर के, 226 ठीक हो गए हैं, 1 की मौत हुई है और 64 सक्रिय मामले फिलहाल चल रहे हैं। और ये बीते 24 घंटे के रिपोर्ट के तहत जो है वो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल हम वेनिस मोड़ पे हैं तो यहाँ की एक स्थिति हम आपको अभी की दिखाना चाहते हैं। पुलिस के सिविक वॉलंटियर जो है वो भी आप देख ही पा रहे हैं, वो भी सड़कों पर है। लेकिन मज़े की अगर कुछ बात बताएं तो थोड़ी हैरत अंगेज की तस्वीरें कुछ देर पहले थी लेकिन अभी नहीं है। अभी आप देखिए कि वेनिस मोड़ से